नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, संधि में हमने स्वर संधि पढ़ लिया था। पहले पार्ट में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, दूसरे में स्वर संधि पढ़ा, तीसरे में देखिए व्यंजन संधि हम लोग पढ़ेंगे। और देखिए, ये पूरा वीडियो जब हम ख़त्म कर लेंगे तो उसके लास्ट में आपको, ठीक है, एक लाइन में बताएंगे, एक लाइन में पूरी की पूरी ट्रिक न व्यंजन संधि की पूरी पूरी। जैसे स्वर संधि में हमने लास्ट में एक ट्रिक बनाया था, उसी से आपको सब पता चल गया होगा, उसी तरीके से व्यंजन संधि के लास्ट में अभी चल, जब लास्ट में पहुंचेंगे भी इस वीडियो के लास्ट में, तो आपको एक हम ट्रिक देंगे, ठीक है। उस ट्रिक से आपको लगभग लगभग सब कर ले जाएंगे, ठीक है। पहले नियम को देख लेते हैं। जैसे व्यंजन संधि में जो है नियम नंबर एक है, जैसे फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट का मतलब है वर्ग का जो पहला, पहली पंक्ति होती, पहला होता है क च ट त प, वर्ग का फर्स्ट रहे, उसके बाद थ्री एंड फोर आए चाहे अंतस्थ आए, तो जो है फर्स्ट का क्या हो जाता है, थर्ड आंसर हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? जैसे फर्स्ट के बाद थर्ड, फोर्थ या अंतस्थ आए, या स्वर भी कभी कभी आ जाता है, तो क्या हो जाता है, थर्ड हो जाता है। कैसे, देखिए। अब देखिए एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे अगर थर्ड आया हुआ है, पहले अगर मान लीजिए दे दिया है आपको कि वाग्जाल, वाग्जाल का संधि विच्छेद करिए, तो आप कहीं नहीं जाएंगे। आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि यहीं थर्ड तो नहीं आया है। अगर थर्ड आया है तो थर्ड वाले जो नियम हैं, पहले उनको आपको सोचना होगा कि थर्ड वाले नियमों कौन कौन से थे, जिसमें क्या हो जाता था, थर्ड हो जाता था। तो आपको पता चलेगा कि थर्ड होने वाला नियम जो था सिर्फ कौन सा था, एक था। कौन? एक। एक नियम का मतलब जिसमें फर्स्ट और थ्री फोर आ जाए, फर्स्ट के बाद थ्री फोर या अंतस्थ यानी यारा लावा या स्वर आ जाए, तो फर्स्ट का क्या हो जाता था, थर्ड। तो वाग्जाल में थर्ड आया नहीं, कि ए वाला सूत्र आपको पूरा याद हो जाना चाहिए। अगर याद हो गया तब तो ठीक है, अगर नहीं याद हुआ तो बेकार है, ठीक। क च ट त प के बाद अगर थर्ड फोर्थ के या अंतस्थ या स्वर आ जाए, तो फर्स्ट का थर्ड हो जाता है। जैसे वाग्जाल है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट आया है, यहाँ पे क्या आया, थर्ड आया। च छ ज, ज क्या है, थर्ड है, थर्ड है। अब फर्स्ट आ गया और उसके बाद थर्ड आ गया, जब फर्स्ट प्लस थर्ड हुआ तो फर्स्ट वाले क्या हो जाएगा, थर्ड। और किस में, इसी में, जैसे क ख ग हो जाएगा इसी वाले लाइन में, जो पहला यहाँ पे आएगा तो इसका क का क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, तो वाग्जाल हो जाएगा। इस तरीके से वाग्जाल हो जाएगा। उसी के बाद देखिए दिग्गज, दिग्गज देखिए क आया फर्स्ट और ये आया थर्ड, और जब फर्स्ट थर्ड आ गया, या याद कर सकते हैं आप दूसरे तरीके से भी, जैसे एक आ गया, इधर तीन आ गया, इधर एक आ गया, इधर चार आ गया, यानी तेरह चौदह अगर आ गया तो ये पहले वाले का तीसरा हो जाएगा। और अंतस्थ मान लीजिए आ गया, पहले के बाद य र ल व आ गया, पहले के बाद य र ल व आ गया, तब भी क्या हो जाएगा, तीसरा। और पहले का मतलब है क च ट त प से, ठीक। उसके बाद देखिए दिग्गज वाला हो गया, पहला तीसरा आया, तो क का क्या हो जाएगा, क ख ग, ग हो जाएगा। उत धन योग, त आया तो समझ लीजिए फर्स्ट है, त आया तो फर्स्ट ही तो हुआ, त के कई नियम भी आ गए हैं, लेकिन पहले फर्स्ट वाला देखेंगे, फर्स्ट हुआ और यह आया तो अंतस्थ हुआ, यानी फर्स्ट के बाद अगर य र ल व आता है तो फर्स्ट का क्या हो जाता है, थर्ड हो जाता है। तो फर्स्ट का थर्ड का मतलब क्या है, ता है, त थ द हो जाएगा, तीसरे नंबर पे द होगा, तो क्या हो जाएगा, उद्योग या उद्योग लिख सकते हैं, धय जहाँ रहेगा वहाँ द हो, ध हो जाता है। उसके बाद देखिए सत धन भावना, यहाँ पे अजंत भी है, अच धन अंत है, तो चा है फर्स्ट और आ है देखिए स्वर, स्वर है, फर्स्ट या स्वर भी अगर आए तो क्या हो जाता है, फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा, यानी च छ ज हो जाएगा, ठीक, तो अजंत हो जाएगा। उसी प्रकार से सत धन भावना, यहाँ पे फर्स्ट आया है और यहाँ पे क्या आया, भ आया है, ठीक।
प फ भ, भ मतलब थर्ड आया है, यहाँ फर्स्ट आया है थर्ड यानी तेरा आया है, तो पहले का क्या हो जाएगा तीसरा, तो त का क्या होगा त थ द, द हो जाएगा तो उत्सत भावना हो जाएगा। नियम नंबर टू है, माँ के बाद माँ के अलावा कोई भी आए, चाहे माँ के बाद वर्गीय व्यंजन लिख सकते हैं, बस माँ ना आए और पूरा वर्गीय व्यंजन क से माँ तक होता है तो माँ को छोड़ देंगे, ठीक। कुछ भी आए तो माँ का अनुस्वार हो जाता है, जैसे समधन योग। अब देखिए यही चीज़ है, यही चीज़ है, इसको कैसे पहचानेंगे, जैसे मान लीजिए आ गया संयोग, ठीक, संयम, ठीक, संकलन, ठीक, इस तरीके से आया। देखेंगे हम लोग जिसमें अनुस्वार है, जिसमें अनुस्वार है वो क्या है, व्यंजन संधि है। सबसे पहली बात तो ये है, जिसमें अनुस्वार है वो व्यंजन है, जैसे वाग्जाल था ना, वाग्जाल जिसमें थर्ड नंबर वाला है वो क्या है, व्यंजन है, थर्ड नंबर वाला चाहे जो हो, ठीक। उद्योग में द आ गया तो थर्ड नंबर वाला है तो व्यंजन हो गया। अब देखिए जब ज्यो आप यहाँ पे बिंदी पाएँ, व्यंजन है और व्यंजन में भाई साहब माँ वाला है, कब वाला है, जब माँ के अलावा मतलब माँ के बाद माँ के अलावा कौनों भी वर्ड आई यात्रा, जैसे संयोग है तो माँ इसमें अब लाना होगा, आपको क्या लाना होगा, सा के बाद माँ आप लेते आइए, चाहे जैसे सम लेते आएंगे, उसके बाद देखिए योग, योग लेते आएंगे तो माँ के बाद अदर या चाहे जो आए, संयम है तो संयम में देखिए यहाँ पे उड़ंतुआ रा आया तो सा और माँ आप लेते आएंगे, उसके बाद यम लेते आएंगे, संयम हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए समधन रक्षक, तो जहाँ पे बिंदी आया तुरंत जान जाएंगे कि व्यंजन का वही है, माँ धन माँ के अलावा वाला, तो संरक्षक हो जाएगा। समधन कलन तो संकलन हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए फर्स्ट के बाद अगर पंचमा मतलब फर्स्ट के बाद, ठीक है, फर्स्ट के बाद अगर पंचमाक्षर आ जा रहा है, कोई भी पंचमाक्षर आए, ठीक, यहाँ पे केवल ना और माँ मैं लिखा हूँ आपके समझने के लिए, लेकिन पहले के बाद कोई भी पंचमाक्षर आए, जैसे फर्स्ट के बाद कोई भी पंचमाक्षर आए, ज़्यादातर ना और माँ आते हैं, ज़्यादातर ना या माँ ही आते हैं, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा पंचमाक्षर, जैसे का क्या हो जाएगा इया, चा का इया होगा, का क्या होगा अंगा, टा का क्या होगा अड़ा, ता का क्या होगा त थ द ध न, पा का क्या होगा प फ ब भ म, ठीक, ये हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा, फर्स्ट के बाद अगर पंचमाक्षर आ जाते हैं तो इसका अंतिम हो जाएगा पचवा वाला, ठीक, समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा। जैसे देखिए जगत धन नाथ, जगत धन नाथ ता आया, व्यंजन व्यंजन में सबसे पहले यही लिखेंगे फर्स्ट है, और फर्स्ट के बाद ना आ रहा है तो ना और माँ अगर आएगा तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा पाँचवा हो जाएगा, ना और माँ, ज़्यादातर ना और माँ ही आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ना और माँ आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएंगे ना और माँ आएंगे, इया मतलब अंगा इया अड़ा कम आएंगे और ना और माँ सबसे ज़्यादा आएंगे, तो फर्स्ट के बाद जब ना और माँ आएगा तो फर्स्ट का पाँचवें नंबर हो जाएगा, तो पाँचवें नंबर हो जाएगा, तो देखिए त थ द ध न हो जाएगा, यहाँ पे आधा ना हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा। वैसे देखिए वाक धन मय है, तो वाक फर्स्ट आया, फर्स्ट के बाद माँ और ना आ जाए, पंचमाक्षर फर्स्ट के बाद माँ या ना आ जाए तो क्या होगा, फर्स्ट के बाद माँ और ना आ जाए तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा पाँचवा हो जाएगा, ठीक, वाग्मय हो जाएगा। अब एक चीज़ और देखिए, एक चीज़ और देखिए आप, ठीक है, क्या देखेंगे, अब देखिए जैसे आपको आ गया जगन्नाथ, जगन्नाथ, ठीक, आपको जैसे मान लीजिए जगन्नाथ आ गया, वहाँ पे जब हम लोग पहला पढ़े थे तो वहाँ पे जैसे वागीस आता था ना, और वागदान, वागजाल, ठीक है, अजंत, ये सब आता था, थर्ड वाला नंबर जब आ जाता था, ठीक है, जब जैसे वागजाल था तो जब थर्ड वाला नंबर आ जाता था तो हम लोग क्या करते थे, पकड़ लेते थे, क्या पकड़ लेते थे कि
ये व्यंजन संधि है। और उसके बाद देखिए संयम आ जाता था, अगर अनुस्वार आ जाता था तब भी हम लोग पकड़ लेते थे क्या है, व्यंजन है। अब यहाँ पे कैसे पकड़ेंगे, अब यहाँ पे देखिए ना या मा आएगा बीच में, ना या मा अभी तक बीच में किसी में नहीं आया है, ना या मा आएगा। या पंचमाक्षर का कोई भी अक्षर, अंगा भी आ सकता है, इया भी आ सकता है, अड़ा भी आ सकता है, ना मा अंगा इया अड़ा, यानी इया अंगा इया अड़ा ना मा में से पंचमाक्षर में से कोई भी आ गया तो तुरंत आपका दिमाग जाना चाहिए कि हाँ यार फर्स्ट वाले के बाद अगर कौनो पंचमाक्षर रहत रहल तो फर्स्ट वाले के पंचमाक्षर हो याद रहल, यानी पाँचवा अक्षर हो याद रहल, ये नियम तुरंत याद आना चाहिए। अगर यहाँ पर ना या मा आए, जैसे और देख लीजिए, जैसे जगन्नाथ हो गया ना, वाग्मय वाग्मय माँ आ गया, देखिए इसमें ना आ गया, ठीक है। और देख लीजिए जैसे उन्नति 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 में देखिए फिर ना आ गया, ठीक है, उन्नति में फिर क्या आ गया, ना आ गया। उसी के तरीके से और देख लीजिए, जैसे देखिए ससमास में देखिए षणमास अड़ा है, षणमास अड़ा आ गया तो फिर पंचमाक्षर आ गया, ए भी पंच, माँ भी पंचमाक्षर है, अड़ा भी पंचमाक्षर है, ना भी पंचमाक्षर है। उसके बाद देखिए अगर यहाँ देखा जाए वाग्मय लिखा गया है, ये भी पंचमाक्षर है, देखिए वाग्मय भी पंचमाक्षर है, तो पंचमाक्षर आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, फर्स्ट प्लस पंचमाक्षर बराबर पंचमाक्षर, यानी पंचमाक्षर ही हो जाता था, ठीक है। अब कोई दिक्कत, अब देखिए वाक्मय, वाक्मय का फर्स्ट प्लस मा या ना पंचमाक्षर अंगा हो जाएगा, वाड्मय हो जाएगा। शतमार्ग, शतमार्ग में देखिए ता है फर्स्ट और मा से माया ना हो जाएगा, पंचमाक्षर हो जाएगा तो ना हो जाएगा, सन्मार्ग। उसके बाद नियम तीन है, ता के बाद अगर ला है तो ता का केवल ला ही हो जाएगा, ता के बाद अगर ला है, ता के बाद ला वाला कोई नियम अभी तक नहीं आया है, ता के बाद कोई भी ला वाला नहीं आया। ता का मतलब देखिए फर्स्ट है, ता का मतलब क्या है, फर्स्ट प्लस ला भी इसको कह सकते हैं, फर्स्ट के बाद ला वाला कोई नियम नहीं आया है। फर्स्ट के बाद कई नियम आए हैं लेकिन फर्स्ट के बाद ला वाला नियम कोई नहीं आया, तो फर्स्ट के बाद ला अगर रहेगा तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, ला ही रहेगा। लेकिन ये फर्स्ट का मतलब क्या है, फर्स्ट का मतलब यहाँ पे ता ही होना चाहिए, ता के अलावा कुछ नहीं, यहाँ पे ता होना चाहिए, तो ता का क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा, ठीक। अब देखिए जैसे तत् धन लीन आ गया, क्या आया, तत् धन लीन, तत् धन लीन का मतलब यहाँ पे देखिए ता हो गया। अब इसको देखिए फर्स्ट भी जल्दी जल्दी में लिख सकते हैं, फर्स्ट पर ला लिखें अगर तो फर्स्ट का मतलब ता धन ला याद आ जाना चाहिए, ता और ला है अगर तो एका हो जाता था, ता का ला, तो ता का आधा ला करेंगे तल्लीन हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ और, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिमाग में अपने रखना है कि आधा ला के बाद अगर पूरा ला आया है, आधा ला के बाद अगर पूरा ला आया है तो दिमाग में अपने आप आना चाहिए कि ये कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, ठीक है। ला के बाद पूरा ला आएगा तो कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। जैसे देखिए तल्लीन है तो तल्लीन है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए अरे यार ला आया है तो ला है और प्लस, और ला के पहले आप ध्यान दिए होंगे तो ता रहा होगा, ता के पहले ला, ठीक। तो तल्लीन को अब तल्लीन ऐसे लिखेंगे और तल्लीन को आप अलग करेंगे तो बहुत होगा ता और यहाँ पे आधा ला और धन लीन अलग कर देंगे, यही तो अलग कर पाएंगे। अब दिमाग में जब आपके जाएगा कि अरे यार यहाँ पे जब ला होता था, यहाँ पे जब ला होता था तो उसके पहले ता होता था, ता और ला मिलके आधा ला बन जाता था, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे तत् धन लीन अपने आप कर देंगे, या तल धन लीन लिखेंगे, तल तो कुछ होता नहीं है, तत् होता है तो तत् अपने आप भी कर सकते हैं, जैसे भी आपका हो। जैसे आप उल्लेख लिखे, उल्लेख तो आप जब काटेंगे इसको यहाँ से तो आप बहुत करेंगे उल धन लेख लिखेंगे, तो उल धन लेख लिखेंगे तो आपको तुरंत आना चाहिए कि ला के पहले यार ता था, ता जो था, जो ता था वो क्या बन जाता था, ये ता ही बन के यहाँ पे क्या बन जाता था, ला, आधा ला बन जाता था, तो यहाँ पे आप तुरंत क्या करेंगे उत धन लेख कर देंगे। उसी प्रकार से उल्लेख होता है,
उल्लास होता है, तत्लीन होता है, ये सब जो है किसके एग्जाम्पल है, ता और ला वाले की एग्जाम्पल है। तो समझ में आ गया होगा कि ता में ला मिलेगा तो ला ही हो जाएगा। अब देखिए अगला है, अगला क्या है, अगला ये है कि ता में अगर टा और डा मिल जाए, टा में क्या है, ता में अभी तक ता में देखिए क्या मिल रहा था, ला, और ता में ला मिला था तो यहाँ पे क्या बना था, ला ही बना था। लेकिन अगर ता में टा और डा मिल जाए, ठीक, टा और डा मिल जाए तो अगर टा से मिलेगा टा बन जाएगा और डा से मिलेगा तो डा बन जाएगा, यही याद रखना है, ठीक है। ता में टा से टमाटर और डा से डमरू अगर मिल जाए तो टमाटर वाले से अगर मिलेगा तो टमाटर बन जाएगा और डमरू वाले से मिलेगा तो डमरू बन जाएगा ता से, ठीक। अब देखिए जैसे तत् धन टीका, तत् धन टीका तो यहाँ पे ता लिखेंगे, फर्स्ट भी लिख सकते हैं, फर्स्ट के बाद टा से टमाटर, डा से डमरू, तो ये फर्स्ट से टमाटर मिलेगा टा बन जाएगा और क्या नाम है, फर्स्ट से डमरू मिलेगा डा बन जाएगा, ठीक। अब देखिए तत् फर्स्ट से और टा मिला, टा टमाटर वाले से टमाटर बन जाएगा, टा बन जाएगा तो टटिका हो जाएगा, ठीक। और उत धन डयन है तो ता होगा और डा से डा होगा। अब देखिए ता से ता और डा से डमरू, डमरू से मिला तो डा हो जाएगा तो उड्डयन हो जाएगा। अब देखिए, अब देखिए कमाल, कमाल ये है कि अभी तक आप देख रहे थे कि आधा ला और पूरा ला आता था तो क्या होता था, व्यंजन होता था। अब आप देखेंगे आधा टा और पूरा टा और आधा डा और पूरा डा आएगा तब भी क्या होगा, व्यंजन होगा। इसमें क्या नियम था, ला के पहले ता था, ता बन जाता था ला। इसमें क्या था, टा के पहले क्या है, टा के पहले ये जो टा बन जाता है ये भी ता ही है, और यहाँ पे डा के पहले क्या है, जो स्मॉल डा बन जाता है तो यहाँ पे भी ता है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे ता 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 आएगा जहाँ पे आधा आधा अक्षर आएगा। देखिए आधा ला आया, आधा टा आया, आधा डा आया, जहाँ पे आधा आधा आके पूरा पूरा आएगा तो यहाँ पे ता ही रहेगा, उसके बाद जो जो आएगा वही वही यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ह्रस्व, ह्रस्व का मतलब छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ अगर आए उसके बाद छ आ जाए तो ये छ क्या बन जाएगा, चा बन जाएगा। जैसे अनुधन छेद, तो अनु में देखिए छोटा ऊ आया और छोटा ऊ के बाद क्या होगा, छ आ गया, मतलब एक स्वर एक व्यंजन मिलके व्यंजन संधि बनाएगा। और छोटा ऊ ह्रस्व के बाद अगर छ छ आया तो ये छ जो है ये चा बन जाएगा, ये छवा जो है चा बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा। वैसे देखिए परिच्छेद है तो परी, परिधन छेद तो कर लेंगे लेकिन परिधन छेद मान लीजिए किए तो ई आया, ई के बाद छ आया, छ का क्या हो गया, चा, तो परिच्छेद। अब ये भी आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, अभी हमने बताया था कि आ वाग्मय, वाग्मय, वाग्मय देखिए थर्ड वाला आएगा तुरंत आप पकड़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको बताए थे हम क्या, संयम, संयम में अनुस्वार आएगा तुरंत पकड़ लेंगे आप, ठीक। उसके बाद हमने क्या बताया, उसके बाद बताया कि माँ के बाद, उसके बाद हमने क्या बताया, ला के पहले आधा ला, टा के पहले आधा टा, डा के पहले आधा डा, तो यहाँ पे ता प्लस ला, ता प्लस टा, ता प्लस डा, तो ए वाला नियम एक बताए। और एक नियम बताए, ए की बीच में अगर पंचमाक्षर वाला आ गया, चाहे अड़ा आ गया, चाहे इया आ गया, चाहे अंगा आ गया, चाहे ना और मा, ज़्यादातर ना और मा आते हैं, जब ना और मा ज़्यादातर आएंगे तो उसके पहले क्या जोड़ा रहेगा, उसके पहले क्या जोड़ा रहेगा बताइए, याद है कुछ, उसके पहले फर्स्ट जोड़ा रहेगा, फर्स्ट के बाद पंचमाक्षर आएंगे तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा। तो ये आपकी पहचान हो गई। और अंतिम पहचान जो आपकी है वो आधा चा आता है, क्या आता है, आधा चा, जब आधा चा और अनुच्छेद, आधा चा आधा छा भी कह सकते हैं, अनुच्छेद, ठीक, परिच्छेद, आधा चा और आधा छा जब आएगा तो भी क्या होगा,
यही होगा। आधा चा और आधा छा आएगा तो भी क्या होगा, यही होगा। तो आधा चा आ जाएगा तब भी आप पहचान जाएंगे कि जैसे अनुच्छेद आ गया, परिच्छेद आ गया, तो आधा छा वाला आएगा तुरंत आप जान जाएंगे कि यहाँ पे आधा छा के चा के जगह पूरा छा रहा होगा, तभी हुआ होगा, पूरा छा रहा होगा। जैसे अनुधन छेद, पूरा छा रहा होगा, ठीक है। वैसे देखिए ता के बाद अगर हा आ जाए, ता के बाद अगर हा आ जाए तो ता का दा बन जाता है और हा का क्या बन जाता है, धा बन जाता है। यानी अगर आपको बताया जाए, सीधी सी बात अगर बताई जाए एक अक्षर में, तो तद बन जाएगा, क्या बनेगा, दध बन जाएगा। अगर एक जगह ता और हा आ गया, ता में अगर हा का मिलन हो गया तो ये क्या बन जाएगा, दध बन जाएगा, ठीक। जैसे उत धन हार, तो देखिए ता के बाद अभी तक ना और माँ मतलब कुछ भी आए, लेकिन अभी हा नहीं आया था। ता के बाद जब हा आएगा, ता का हो जाएगा आधा दा, इसी का तीसरा है आधा दा, और हा का हो जाएगा धा। तो दध याद रखिए, दध, अगर ता के बाद हा हुआ दध याद रखिए, यानी उधार, उद्धार हो जाएगा। वैसे माँ के बाद अगर माँ आ गया तो नो चेंजिंग, जैसे समधन मति, माँ के बाद माँ, तो सेम माँ आधा है ना, तो इसको आधा करके सम्मति, समधन मान सम्मान, नो चेंजिंग, ठीक। तो इस तरीके से आपका व्यंजन संधि जो है पूरे तरीके से ख़त्म हो गया। अब देखिए ट्रिक की बारी आ गई कि ट्रिक कैसे हम ध्यान रखेंगे, ट्रिक ध्यान रखेंगे तो सही रहेगा। जैसे देखिए अभी हमने शुरू में बताया था कि फर्स्ट के बाद क्या है, फर्स्ट के बाद पहला सूत्र यही था, फर्स्ट के बाद या तो तीसरा चौथा आए या अंतस्थ आए या स्वर आए। फर्स्ट के बाद जोड़ेंगे तीसरा चौथा, जैसे नहीं कह रहे थे 13, 14 और फर्स्ट के बाद या र ला वा, ठीक है, या स्वर आए तो फर्स्ट का क्या हो जाता है, थर्ड में आंसर आ जाता था। और दूसरी जो सूत्र थी, फर्स्ट के बाद पंचमाक्षर आए, फर्स्ट के बाद पंचमाक्षर आए, ठीक, और पंचमाक्षर में ज़्यादातर ना और मा आते हैं, तो फर्स्ट का क्या हो जाता था, फिफ्थ हो जाता था, यानी पंचमाक्षर हो जाता था। और देखिए मा के तीन नियम, मा के तीन नियम, माँ के बाद अगर वर्गीय व्यंजन आ गया, लेकिन इसमें माँ नहीं रहेगा वर्गीय व्यंजन में, माँ के बाद माँ के छोड़ के वर्गीय व्यंजन आ गया या माँ के बाद माँ के अलावा कुछ भी आ गया, तो वहाँ पे क्या हो जाता था, अनुस्वार, ठीक। और वही चीज़ है कि माँ के बाद माँ को छोड़कर अंतस्थ या उष्मा आ गया तो क्या हो जाएगा, अनुस्वार। कहने का मतलब इन दोनों को एक में अगर लेना चाहें तो माँ के बाद माँ को छोड़कर कुछ भी आ जाए, माँ को छोड़कर कुछ भी आ जाए तो माँ की जगह क्या हो जाता था, अनुस्वार हो जाता था। उसके बाद एक दूसरा नियम था कि माँ के बाद अगर माँ आ जाए, माँ के बाद अगर माँ आ जाए तो माँ का माँ ही रहता है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो माँ के बाद माँ आ जाए तो कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन माँ के बाद माँ को छोड़कर कुछ भी आ जाए तो अनुस्वार हो जाता था। ख़त्म कहानी यहाँ तक। अब देखिए ता के बाद वाले कई नियम थे, ता के बाद च छ ज झ, च छ ज झ, ठीक। उसके बाद ला, ला भी आता था ता के साथ ना, और सा भी आता था ता के साथ, और हा भी आता था सा के साथ, और ता के साथ डाश टमाटर डाश डमरू भी आया था, ठीक है। इसके साथ बहुत सारे नियम थे, ठीक है। तो यहाँ पे इन नियमों को देख लेते हैं हम लोग। देखिए अगर ता के बाद च छ आया हो, ठीक है, ता के बाद अगर च छ आया हो तो इसी ता में परिवर्तन होगा, यहाँ भले हम लिखे हैं लेकिन परिवर्तन वह किस में होगा, ता में, ता का चा हो जाएगा। ज झ अगर आया हो ता के बाद तो ज हो जाएगा, किसका, ता का। और ता के बाद अगर ला आया हो तो इस ता का क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। और ता के बाद अगर सा आया हो तो आधा च और छ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधा च और छ हो जाएगा। और ता के बाद अगर हा आया है तो दद हो जाएगा, दद, जैसे उद्धार वाला दद हो जाएगा। और ट के बाद अगर ट
टमाटर वाला टा आया है तो ता का टमाटर वाला टवे रह जगह आएगा, और ता के बाद अगर डमरू वाला डा आया है तो ता का डमरू वाला डवे रह जाएगा। तो एक अक्षर में देखिए चा छा के जगह चा, मतलब ता के जगह चा, ज ज ज, ला में ला, ला में देखिए कोई परिवर्तन नहीं, सा में च छ, और हा में दध, और टा ठा में कोई परिवर्तन नहीं। ठीक, अब देखिए अगर सा के पहले आ आ के अलावा कोई भी अक्षर आ जाए, आ आ के अलावा कोई भी अक्षर आ जाए छोटे वाले सा से पहले, ठीक है, आ आ के अलावा कोई भी अक्षर आ जाए तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे मूर्धन्य सा हो जाएगा। ठीक, और एक चीज़ और जान दीजिए, मूर्धन्य सा जिसमें बीच में रहेगा उस व्यंजन संधि ही होगी, मूर्धन्य सा जिसमें रहेगा वो व्यंजन संधि ही होगी। जैसे विषम हुआ, सुषमा हुआ, ये तुरंत व्यंजन संधि मारिएगा, और ये जो छोटा मूर्धन्य सा होगा तो इसके नीचे तुरंत आप सा लगाएंगे, और सा के बाद यहाँ पे लगाएंगे आ, और आ के अलावा कोई भी अक्षर होगा। तो देखिए सा लगाएंगे, समा मैं लिख दूँगा समा, उसके आगे क्या है सु है, तो सु यानी ऊ, ऊ आया है, ऊ के बाद सा आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद देखिए अगर विषम लिखना है तो विषम अगर हमको मान लीजिए लिखना है तो विषम में ऐसे लिखेंगे विषम, तो तुरंत जान जाएंगे व्यंजन है, सा के नीचे छोटा सा बना देंगे क्योंकि छोटे सा से मूर्धन्य सा बना है, और छोटे सा के पहले विषम में क्या लिखेंगे बी लिख देंगे, बी धन सम। ठीक, इस तरीके से इसका कर लेंगे। और अभी हमने बताया था कि छ अगर आ जाए किसी भी ह्रस्व स्वर के बाद छ आ जाए तो छ का क्या हो जाएगा, च, उच्चारण वाला जैसे। ठीक, ह्रस्व स्वर के बाद छ आ जाए तो छ हो जाए, छ आ जाए तो च हो जाता है। इस तरीके से दोस्तों आपकी व्यंजन संधि जो है पूरे तरीके से क्या हो गई, समाप्त हो गई। हम आशा करते हैं कि अगर आप एक बार देख लेंगे, एक बार में नहीं समझ में आएगा दोबारा में तो ऐसा समझ में आ जाएगा कभी भूलेगा ही नहीं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, तभी हम वीडियो बनाएंगे, नहीं वीडियो बनाना छोड़ देंगे। धन्यवाद।